कथा ने दिवाली पर राघव को दिया क्या गिफ्ट? वेल, टीवी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सीरियल कथा अनकही का आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि कैसे राघव व्यान के घर दिवाली सेलिब्रेशन में जाने के लिए बेहद एक्साइटेड है और वो कथा से बार बार पूछ रहा कि व्यान को क्या गिफ्ट दूं मैं और तुम क्या दे रही हो, और वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे व्यान के बातों को कथा इग्नोर कर रही है, लेकिन मन ही मन वो भी इस बात में कंफ्यूजन में फंसी हुई है कि आखिर वो व्यान को क्या गिफ्ट दे। तो चलिए देखते हैं इस सीरियल के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो राघव है वो कथा और व्यान को अनजाने में ही दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहा, और कथा जो है वो व्यान के पास जाने से थोड़ी कतरा रही है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि वो अगर व्यान के करीब गई तो फिर वो एक बार और व्यान की मोहब्बत में पड़ जाएगी और जिसकी वजह से राघव को झटका लग जाएगा, क्योंकि राघव के फैमिली से कथा बहुत ज्यादा अटैच हो गई है और उनका वो दिल नहीं तोड़ना चाहती है। लेकिन ना चाहते हुए भी कथा को ये करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राघव व्यान के तरफ कथा को धकेल रहा है, वैसे में तो देख के यही लग रहा है कि अब इन दोनों की प्यार की कहानी एक बार फिर शुरू होने वाली है, और ये शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राघव ही होगा। वेल, इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है और ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन के लिए राघव के घर में तैयारियां शुरू हो चुकी है और कथा जो है वो सभी लोगों को गिफ्ट दे रही है। लेकिन वहीं राघव की बेटी जो रूही है वो इस बात से बेहद एक्साइटेड है कि वो व्यान के घर जाने वाली है, और वो कथा से बार बार पूछ रही है कि आखिर व्यान को क्या गिफ्ट दिया जाए। लेकिन वहीं राघव को भी बार बार कथा से यही बात पूछ रहा है, लेकिन कथा सबकी बातों को इग्नोर करके कमरे में चली जाती है और वहाँ वो जाके अकेले में सोचती है कि अब वो व्यान को क्या गिफ्ट दे, क्योंकि वो व्यान के पसंद और नापसंद को बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त कंफ्यूजन में है कि वो व्यान को क्या गिफ्ट दे। वेल, अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सच में कथा ने क्या व्यान को गिफ्ट दिया है, और क्या वो जो गिफ्ट कथा ने दिया है वो व्यान को पसंद आई है, या फिर कथा कुछ और करने वाली है व्यान के लिए। लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे राघव अपने घर पे अपनी माँ के साथ दिवाली सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है और वो बेहद एक्साइटेड है। अपनी माँ तेजी से वो बार बार कह रहा है कि कथा के पसंद की सारी चीजें होनी चाहिए, कथा को ये पसंद नहीं है, कथा को वो पसंद नहीं है, कथा को ये पसंद आती है, कथा को वो पसंद आती है, जिसकी वजह से तेजी थोड़ी परेशान है, क्योंकि वो राघव और कथा के रिश्ते की सच्चाई जानती है। और इधर वो अपने बेटे की एक्साइटमेंट देख के वो इस बात से परेशान हो गई है कि अब की लाइफ में क्या नया तूफान आने वाला है। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे अपनी फेवरेट सीरियल का अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्म बेटर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।